में झूठे सबूत पेश करने के लिए सीबीआई और ईडी के अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज कराएंगे। आपको बता दें सीबीआई ने समन भेजा है मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को, कल पूछताछ के लिए बुलाया गया है। कल सुबह 11 बजे सीबीआई मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से पूछताछ करेगी। और इस पूरे मामले को लेकर सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया और कहा कि हम झूठी गवाही देने और केस दर्ज करने को लेकर सीबीआई और ईडी के अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज कराएंगे। जब इन्होंने ये आरोप लगाया, हम तो छोटे लोग हैं, हमारे पास इतने साधन नहीं थे, लेकिन फिर भी अपने सीमित साधनों से पिछले महीने डेढ़ महीने में हमने भी थोड़ी जांच करी तो पता चला, बाकी मोस्टली फ़ोन, एक आध को छोड़ के वो भी पता चल जाएगा कहाँ, मोस्टली फ़ोन जिंदा हैं, कोई ना कोई इस्तेमाल कर रहा है। और उन फ़ोन को कोई वॉलंटियर के पास है, कोई कहीं है, कोई कहीं है, कोई ना कोई इस्तेमाल कर रहा है। वो मनीष जी के फ़ोन नहीं है, वो कोई ना कोई इस्तेमाल कर रहा है। वो फ़ोन जिंदा हैं और ये फैक्ट कि ये फ़ोन जिंदा हैं, ये ईडी को भी पता है और ये सीबीआई को भी पता है। सो ईडी ने और सीबीआई ने झूठा झूठ बोल के ओथ पे एफिडेविट पे कोर्ट को गुमराह किया और झूठा सबूत उन्होंने कोर्ट के सामने पेश किया। राम पांडे ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। बलराम, पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस और अब ट्वीट के माध्यम से सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा केस दर्ज कराएंगे सीबीआई ईडी के खिलाफ। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने समन जारी होने के बाद प्रेस वार्ता की और उन्होंने एक के बाद एक कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि ईडी और सीबीआई अपनी एफआईआर में गलत बयान देकर के, गलत चीजें अंकित करके कोर्ट को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मनीष सिसोदिया पर आरोप लगाए गए कि उन्होंने अपने 14 मोबाइल नष्ट किए हैं, उनको तोड़े हैं, जबकि 4 मोबाइल ईडी के पास हैं, 1 मोबाइल सीबीआई के पास हैं और बाकी जो 9 मोबाइल हैं वो इस वक्त चल रहे हैं। इसकी जानकारी सीबीआई को भी है, ईडी को भी है, लेकिन बावजूद उसके ओथ लेकर एफिडेविट पर कोर्ट में कहा गया कि 14 मोबाइल को नष्ट किया गया, तो कहीं ना कहीं जांच पर सवाल उठते हैं। और यही वजह है कि उन्होंने देश की जांच एजेंसियों पर भी सवाल खड़े किए और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये जो पूरा मामला है ठीक है। बलराम, मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगी। इस वक्त हमारे साथ आम आदमी पार्टी से विधायक कुलदीप जी जुड़ गए हैं। कुलदीप जी, स्वागत करती हूँ आपका। हाँ, नमस्कार। कुलदीप जी, आम आदमी पार्टी का अब क्या रुख होगा जिस तरह से सीबीआई ने समन भेजा है अरविंद केजरीवाल को? देखिए, मतलब मुझे लगता है कि आज जिस प्रकार से सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया जा रहा है, जिस तरह से लोगों को परेशान किया जा रहा है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली की विधानसभा के अंदर पूरे सिलसिलेवार तरीके से बताया था कि किस प्रकार से जो पैसा था, प्रधानमंत्री जी का पैसा था, केवल अडानी जो कमीशन एजेंट है जिसे 10-15% कमीशन मिलती है, उनका खुलासा किया था कि प्रधानमंत्री जी ने कैसे श्रीलंका जाकर विंड बजट दिलाने का काम किया। वो अडानी को नहीं दिलाया था, वो बजट उन्होंने खुद लिया था। ऐसे ही बांग्लादेश जाकर और ऐसे ही LIC का पैसा 87,000 करोड़ रुपया किस प्रकार से इन्वेस्ट कराया गया एक डूबती हुई कंपनी के अंदर। प्रधानमंत्री जी ने बैंकों के पैसे, तमाम से तमाम बैंकों के और तमाम तरह के प्रोजेक्ट, चाहे पोर्ट की बात हो चाहे एयरपोर्ट की बात हो, प्रधानमंत्री जी को देने का काम किया गया, लेने का काम किया। और उसी प्रकार से जो ईडी, जो तोता मैना बनी हुई है, वो ईडी फ्रॉड एविडेंस, गलत एविडेंस जाकर कोर्ट के अंदर सबमिट करती है। वो कहती है कि मनीष सिसोदिया जी के पास 14 फोन थे जो उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिए, जबकि खुद जो EMI नंबर था उनमें से 5 फोन खुद नहीं। कुलदीप जी, सवाल मेरा ये है कि ये जो आम आदमी पार्टी जिस तरह से मुखर हो रही है, ये केंद्र सरकार के खिलाफ होगा या एजेंसियों के खिलाफ? देखिए, केंद्र सरकार तो ये इन सबके पीछे तो प्रधानमंत्री जी हैं, इनको चला कौन रहा है? ये तो आज ईडी जो तोता और मैना है, जो आज ये इलेक्शन डिपार्टमेंट बन चुकी है ईडी बीजेपी का, ये चला कौन रहा है? चला तो प्रधानमंत्री जी ने। इन सबके ये कंपनियां किसकी है? प्रधानमंत्री जी की है। पैसा किसका है? प्रधानमंत्री जी का है। तो पूरा देश तो आज जान चुका है, लेकिन ये बात है कि गांव तक जाएगी। अरविंद केजरीवाल जी इनके सम्मानों से, ईडी से, सीबीआई से, आम आदमी पार्टी का
एक भी कार्यकर्ता दबने वाला नहीं है। ये लड़ाई जारी रहेगी, ये पोल जो खोली है वो जारी रहेगी, और इन्होंने जो ईडी बार बार गलत तरीके के एविडेंस कोर्ट में रख रही है उसके खिलाफ भी हम केस फाइल करेंगे कि उन्होंने कहा था कि 14 फोन जो थे डिस्ट्रॉय किए गए, क्योंकि 5 फोन खुद ईडी और सीबीआई ने सीज किए हुए। तो क्या इस बात के सबूत भी पेश किए जाएंगे जब जांच और रिपोर्ट दर्ज कराई जाएगी आम आदमी पार्टी द्वारा? तो क्या इस बात के सबूत पेश किए जाएंगे पुलिस के सामने कि ये जो एविडेंस है ये झूठे थे, जो फोन थे वो ईडीआई और सीबीआई के थे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल की जाएगी। सीबीआई और ईडी को तो पिछले 6 महीने से 400 से ऊपर अधिकारी लगे हुए हैं, ना तो मनीष सिसोदिया जी के पास कुछ मिला, वहां पर गन पॉइंट पर रख के वहां उनको धमकाया जाता है, लोगों को उनसे बयान दिलवाए जाते हैं, बाद में आके उन्हें बयान बदलने पड़ते हैं अपने, क्योंकि उस समय पे उन्हें धमकाकर उनकी बीवी और बेटियों को एक रूम में बैठाकर तो जेल भेजी धमकी देकर उनसे बयान लिखवाए जाते हैं। तो किस प्रकार का शर्मिंदगी का काम आज ईडी करने का काम कर रही है, केवल इसलिए क्योंकि उनको पता है कि इस देश में अगर ऐसा कोई लीडर है, ऐसा कोई नेता है जो प्रधानमंत्री जी की आंखों में आंखें डाल के बात करता है, वो कट्टर ईमानदार है, वो अरविंद केजरीवाल जी है। अरविंद केजरीवाल जी ने इस देश को, इस भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए अपनी आईएएस की नौकरी छोड़ के राजनीति के अंदर आए थे, जनता की आवाज बने थे, एक झुमकियों के अंदर रात बिताई है उन्होंने, वो कट्टर ईमानदार है, कट्टर देशभक्त है, और कोई आदमी ये इस बात पे भरोसा नहीं कर सकता कि अरविंद केजरीवाल जी भ्रष्टाचार कर सकते हैं। उन्होंने तो अपनी पार्टियों के खुद मंत्रियों के खिलाफ जो भ्रष्टाचारी थे खुद उन्हें पकड़वाने का काम किया, ईडी और सीबीआई ने नहीं पकड़ा, उन्होंने पकड़वाने का काम किया, क्योंकि वो कट्टर ईमानदार है, भ्रष्टाचार 1 रुपए का बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। लेकिन आज जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी ने बड़ी बड़ी कंपनियां अडानी के पीछे खड़े होकर बनाई, खूब प्रॉफिट कमाया, खूब पैसा कमाया, देश का पैसा लूटा, LIC लूटा, सेल लूटा, रेल लूटा, एयरपोर्ट लूटा, पोर्ट लूटा, आज प्रधानमंत्री जी उनके साथ जहाज में बैठ के घूमने का काम करते हैं, क्योंकि वो उनके मुंह बोले भाई हैं, क्योंकि वो उनकी कंपनियों के मालिक हैं, ये देश सब देख रहा है। और निश्चित रूप से हम दबने वाले नहीं है, झुकने वाले नहीं है, ये सीबीआई के सामने भी पेश होंगे, हर जगह पेश होंगे, और लड़ाई जारी रहेगी। और प्रधानमंत्री जी को मैं कहना चाहता हूं कि आपको इतना डरना नहीं चाहिए, अरे लोकतंत्र के अंदर, डेमोक्रेसी के अंदर जनता वोट देख के अपने नेता को चुनती है, लेकिन आप जिस प्रकार से आज अरविंद केजरीवाल जी की बढ़ती लोकप्रियता से घबराए हुए हो, डरे हुए हो, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। पार्टी पर भरोसा है सर दिल्ली की जनता का? कैसे इस छवि को बरकरार रखेगी हम आम आदमी पार्टी? दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल से प्यार करते हैं, असली नहीं, मैं कहता हूँ पूरे देश के लोग अरविंद केजरीवाल से प्यार करते हैं, क्योंकि उन्होंने इस देश को, उन्होंने एक देश को एजुकेशन का मॉडल दिया, गरीब के बच्चे को IAS पीसेस बनने का सपना पूरा करने का काम किया, उन्होंने दिल्ली के लोगों को, लाखों लोगों को बिजली मुफ्त देने का काम किया, पानी मुफ्त देने का काम किया, मोहल्ला क्लिनिक बनाने का काम किया, दिल्ली के अंदर वो काम जो आज तक कभी कोई सरकार नहीं कर पाई उसको मॉडल बनाकर पूरे देश में। ठीक है कुलदीप जी, इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी क्या सोचती है और क्या पक्ष बीजेपी का है वो भी जानेंगे। हमारे साथ रमेश जी जुड़ गए, सांसद है बीजेपी से, स्वागत करती हूँ रमेश जी आपका। थैंक यू रमेश जी। पूरे मामले को लेकर अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का बयान सामने आया है, ईडी और सीबीआई के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराएंगे। देखो ये आम आदमी पार्टी के जितने भी रिव्यूअर और चैनल पर आते हैं इसे बोला करो, इधर उधर की ना बात करो, ये बताओ कि काफला कैसे लूटा। बात है लीकर पॉलिसी की, बात है शराब घोटाले की, और इनकी एजुकेशन पॉलिसी 50 दफे स्कूलों की हालत मैंने जाकर दिखा दी, बच्चे जमीन पर बैठ रहे हैं, बदरपुर के अंदर जाकर देखें, फतेहपुर के अंदर जाकर देखें, बच्चे जमीन पर आज भी बैठ रहे हैं, शेड में आज भी दिल्ली की राजधानी बच्चे पढ़ते हैं। लिमिटेड इशू दूसरे है, केजरीवाल साहब जो 2014 तक कहते थे कोई आदमी बक्से में भी कंप्लेंट डाल देगा सीबीआई की और उसकी करप्शन की, मैं उसकी जांच कराऊंगा, मैं पूछना चाहता हूं केजरीवाल साहब से, ये 1.5 साल से मामला शराब घोटाले का चल रहा है, केजरीवाल साहब ने दिल्ली की नहीं तो बोल तो रहे हैं कि ये केस झूठे केस में फंसाया जा रहा है, आम आदमी पार्टी को फंसाया जा रहा है, नेताओं को फंसाया जा रहा है। केजरीवाल ने अपने आप तो जांच करा लेते, केजरीवाल ने अपनी किसी एजेंसी से कोई जांच कराई, पहले सर्टिफिकेट दे देते थे, डिग्री तोमर, डिग्री में तोमर को दे दिया था, जितेंद्र तोमर को मैं देख लिया, सारे कागज सबूत हैं, फिर सत्येंद्र जैन को सर्टिफिकेट दिया था इन्होंने, कट्टर ईमानदार है कट्टर। अगर ये सारे अधिकारी, सारे देश सब बेईमान हैं तो कोर्ट भी अदालत भी चोर है क्या? एक अपने उस पैराग्राफ को दिखाते जिनके फेवर में है, कोर्ट की टोटल फाउंडिंग जो होती है, रिपोर्ट है, उसको दिखाया ना कोर्ट ने किस आधार पर बेल रिजेक्ट की है, एक पैराग्राफ पढ़ते हैं, जब कोर्ट लिखता है 2 पेज का ऑर्डर रहता है उसमें उनके बताए हुए वर्जन भी लिखता है, जो आदमी कसूरवार होता है। सर पार्टी इसे बीजेपी की साजिश बता रही है जो भी कार्रवाई हो रही है? नहीं नहीं, बीजेपी की साजिश अगर होती तो आज तक इन्होंने ये नहीं बताया कि 6% जो माल खाया
2.5% से 12% कमीशन बढ़ा देना, ये क्यों नहीं बताते क्या रिश्तेदारी है, क्यों नहीं बताते ये? केजरीवाल खुद सर्टिफिकेट दे देते हैं मेडिकल में, अभी तो उन्होंने देखो ना कान फाड़ दिया, टॉर्चर कर रहे हैं, इनको किसने बता दिया टॉर्चर कर रहे हैं, इसका मतलब ये उनके लिंक में है। ठीक है रमेश जी, कुलदीप जी हमारे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़े हैं बलराम, वो कुछ सवाल लेना चाहते हैं, बलराम आप सवाल कर सकते हैं। बिल्कुल, देखिए मैं बीजेपी सांसद रमेश बिधूरी जी से ये जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस वार्ता की और उन्होंने एक के बाद एक कई गंभीर आरोप लगाए, उन्होंने कहा कि ईडी और सीबीआई ने कहा कि सीबीआई जो मनीष सिसोदिया है उन्होंने अपने 14 मोबाइल को नष्ट किया, तो उन्होंने कहा कि 4 मोबाइल ईडी के पास है, 1 मोबाइल सीबीआई के पास है और बाकी 9 मोबाइल जो है वो अभी चल रहे हैं, जिंदा है, और जो कोर्ट लेकर के एफिडेविट दी गई है ईडी की तरफ से या सीबीआई की तरफ से उसमें गलत बयानबाजी की गई है, तो इसको लेकर के क्या कहेंगे जो वो आरोप लगा रहे हैं, उन आरोपों में कितनी सच्चाई मानते हैं और उन आरोपों पर क्या कहेंगे रमेश जी? देखो बलराम जी, नष्ट करने का मतलब क्या होता है, नष्ट करने का मतलब क्या होता है, नष्ट करने का मतलब मशीन में डालकर उनको क्रश करना नहीं होता, नष्ट करने का मतलब है आपने उनको अनएक्टिव कर दिया, एक्टिव नहीं रखिया, आपने उनकी सिम नष्ट कर दी है, और 14 फोन अगर ऐसे थे जब केजरीवाल सिसोदिया के घर उनकी गिरफ्तारी हुई तो सिसोदिया से 4 जो रिकवर किए हैं वो सीबीआई के पास है, कब मना कर, वो तो सिसोदिया से रिकवर किए ना, ये क्या है इस प्रकार की नैरेटिव बनाकर मिसगाइड करते हैं लोगों को। जो सीबीआई ने कहा है, जो केजरीवाल साहब आप बोल रहे हैं वो आज भी चल रहे हैं, वो रिएक्टिव कर दिए होंगे इन्होंने ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन टाइम, उन फोनों को डिस्ट्रॉय करने का मतलब होता है आउट ऑफ फंक्शनिंग कर दिया, बंद करके, और ये सीबीआई को ये बता दिया कि वो तो तोड़ दिए, अब अपने मुंह से ये कहेंगे हमने तोड़ दिए तो सीबीआई ने, फिर सीबीआई का काम क्या होता है? कुलदीप जी ऐसा है क्या? हैं जी कुलदीप जी से सवाल है सर, ऐसा है क्या? बिजूड़ी जी तो अब अलग परिभाषा बता रहे हैं, आज कुछ दिन पहले इनके नेता और ये सब मिलकर अलग परिभाषा बता रहे थे, अभी कह रहे हैं उसकी सिम निकाल दी, उसको स्विच ऑफ कर दिया, उसको स्विच ऑन कर दिया, स्विच ऑफ और स्विच ऑन करने में बड़ा फर्क होता है और किसी को नष्ट करने में बड़ा फर्क होता है। तो सीबीआई ने भी कहा था, भाजपा के प्रवक्ता भी कहते थे आके कि 14 फोन नहीं मिल रहे हैं, 14 फोनों को खत्म कर दिया गया है, तो 14 फोन अगर नहीं मिल रहे थे तो सीबीआई के पास कहां से आ गए, सीबीआई ने उन 5 फोन की जानकारी क्यों नहीं दी कि 5 फोन रिकवर हुए 9 नहीं मिल रहे हैं, और ये किसी के भी कुछ भी नंबर उठा के डाल देते हैं और फिर कहते हैं नहीं मिल रहे हैं, लेकिन ये एफिडेविट जो है ये दिया गया है कोर्ट के अंदर और झूठा एफिडेविट उन्होंने फाइल करने का काम किया है, उसके खिलाफ हम लोग कोर्ट में जाएंगे और कोर्ट में रखेंगे कि किस प्रकार कोर्ट को भी सीबीआई और ईडी मिलकर गुमराह करने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी के दबाव में आकर, क्योंकि अब तो ईडी जो है वो इनका इलेक्शन डिपार्टमेंट बन चुका है। रमेश जी बार बार आम आदमी पार्टी का यही बयान है, भारतीय जनता पार्टी के दबाव में आकर गुमराह करने की कोशिश एजेंसियों द्वारा। कोर्ट ने फिर जेल क्यों नहीं दी? ये मनीष सिसोदिया को जानबूझकर डाले हुए हैं जेल में, क्या 1.5 महीने से 2 महीने से ये कोर्ट में आप कह रहे हैं ना जाएंगे, अब केजरीवाल जी अब अंदर जाने वाले हैं तो कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं, क्योंकि ना 9 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी, ये भी अंदर चले जाएंगे, ये अभी डायरेक्टिव बनाते हैं सर झूठा, यही केजरीवाल साहब थे, कहो तो मैं वीडियो भेज देता हूं आपको, अभी मैं लाइव कर रहा हूं फेसबुक पे, प्लीज उसको जरूर कट कर लेना उसमें से, यही केजरीवाल कहते थे करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस होगा, अगर किसी की शिकायत भी आएगी करोड़ों रुपए देश में इकट्ठा कर लिया था गरीब शरीफ लोगों से, ईमानदार लोगों से, एंटी करप्शन संस्था बनाकर इन्होंने, और इन्होंने ही कहा था, अब इन्होंने गोवा का खर्चा ऑनलाइन क्यों नहीं डाल दिया, गोवा में कितना पैसा कहां खर्च हुआ है, सभी राजनीतिक पार्टियां उसको नेट पर डालें, आज तक आम आदमी पार्टी ने क्यों नहीं डाला, क्यों नहीं डालते, ये हरिश्चंद्र है ना ईमानदार है ना कट्टर ईमानदार है, तो क्यों नहीं डालते नेट पे आम आदमी पार्टी का खर्चा वर्चा जो सभी पार्टियों को मांगा मांगा करते थे, जिनसे पूछिए ना कोई। कुलदीप कुमार जी जवाब दीजिए। देखिए एडीआर की रिपोर्ट तो ये कहती है कि सबसे ज्यादा चंदा जो है वो अननोन सोर्स से भाजपा को मिलता है और भाजपा को मिला है। अरे भाजपा को कहाँ मिलता है क्या मिलता है ये शोर मचा के तो तुमने वोट ले ली, लेकिन अब तुमने कहाँ से ये डालो ना, अभी तक इन्होंने क्या, अरे भाजपा तो भ्रष्ट है, रमेश जी एक बार सुन लीजिए कुलदीप जी क्या कह रहे हैं। कहानी तो कुछ और है, कहानी ये है कि अरविंद केजरीवाल जी ने प्रधानमंत्री जी की पोल पट्टी खोल दी है कि जो पैसा लगा हुआ अडानी की कंपनी में
जो कंपनियां हैं वो अडानी की नहीं है, प्रधानमंत्री जी की है। अडानी को सिर्फ कमीशन एजेंट है, और प्रधानमंत्री जी ने चाहे श्रीलंका में प्रोजेक्ट दिलाने की बात हो, चाहे कोयले खदान दिलाने की बात हो, चाहे एयरपोर्ट दिलाने की बात हो, चाहे पोर्ट दिलाने की बात हो, प्रधानमंत्री जी ने पूरा एक तरह से अडानी के माध्यम से अपना नाम करने का काम किया। और ये बात छुपने वाली नहीं है, ये तो अब एक एक गांव तक, एक शहर तक जाएगी। चाहे आप नोटिस इश्यू करो, चाहे आप जेल में डालो, ये बात जरूरी छुपेगी नहीं। ये तो देश के एक एक कोने में जाएगी, और लोगों को पता रखना है कि प्रधानमंत्री देश के किस प्रकार भ्रष्टाचार में गोवा में पहुंच गई, आपकी जमानत जब्त हुई है। ये उत्तराखंड में पहुंच गई, आपकी जमानत जब्त हुई 68 सीटों में। ये यूपी में पहुंच गई थी 368 सीटों में, जमानत जब्त हुई आपकी। ये देखो, जब सिसोदिया जी गिरफ्तार हुए थे, उन्होंने क्या नया बनाया था, गुजरात से डर रहे हैं, सिसोदिया से, सिसोदिया पर बनी है, गुजरात से डर रहे हैं। इसलिए बताओ सिद्धू जी, वो कांग्रेस चोर थी, कांग्रेस भ्रष्ट थी, जिसके साथ तुम हाथ में आगे चल रहे हो, वो कांग्रेस को तुमने हराया, भाजपा को नहीं हराया, आपने कांग्रेस चोर थी। ये चुनाव में तो भाजपा भी खड़ी हुई थी ना सर, नहीं चुनाव में भाजपा नहीं लड़ी, भाजपा पहली बार चुनाव में लड़ी है। भाजपा की रूलिंग वहां पर पंजाब में कभी थी ही नहीं, वहां अकाली और कांग्रेस की सरकार थी। 15 साल की भाजपा इनके बैठा हो गई, वो चाहिए उसके बारे में, जो ये दिल्ली में कहते थे 40 सीटें आएंगी कॉरपोरेशन की, दिल्ली में इनके बराबर में खड़ी हो गई 15 साल की एंटी इनकमेंसी में। ये तो 7 साल में जेल जा रहे हैं, एक के बाद एक। अच्छा, हम मानते हैं राज्य है, मान तो कुलदीप जी कुछ पूछ रहे हैं, एक बार सुन लीजिए और उसका जवाब दे दीजिएगा रमेश जी। कुलदीप जी जाने वाले 10 दिन बाद, जिसके साथ गाल भलाई कर रहे थे ये जम्मू कश्मीर में, जिसको बोलते थे कि जो अफजल गुरु को शहीद मानते महबूबा मुफ्ती, उसके साथ उन्होंने जैसे सरकार चलाई। भाई मेरे बात करो, दुनिया कहाँ क्या बोल रही है, तुम्हारा तीन ईमान नहीं है, बात करो ना, आपके केजरीवाल का तीन ईमान लालू के साथ, लालू छोड़ कर उसके साथ खड़े हो गए, अपना तीन ईमान देखिए ना, लालू को कोर्ट ने 5 बार सजा दी है, लालू बताइए भ्रष्ट ईमानदार है सर, एक मिनट ईमानदार, अरे लालू के साथ तुम खड़े हो ना, अभी तेजस्वी से लालू के बेटे से मिल रहा है ना केजरीवाल, बताइए, और चोर ईमानदार है, लालू के बारे में बताइए ना, चोर ईमानदार है लालू, अरे लालू को मुद्दे पर रहिए ना सर, बात दिल्ली की हो रही है ना, मुद्दे पर रहिए, कुलदीप जी रमेश जी, भ्रष्टाचार में जेल में कोर्ट ने भेजा है, अब बताइए लालू ईमानदार है चोर है, अरे लालू के बारे में कुलदीप जी के बारे में बताओ, चोर है, अरे लालू जी के बारे में तो बताओ सर, इधर उधर की तो बात ही नहीं करनी, अभी तो बात दिल्ली की हो रही है, बात केस को लेकर हो रही है, उसका जवाब दीजिए ना, ये भाग रहे ना इधर उधर, कभी मैं नहीं भाग रहा, मैं जवाब देने वाला पूछ रहा हूं, अरे भाई स्कैम जो हुआ है शराब का, उसका कैसे बढ़ा दिया ये बताओ, उसका 6-12% क्या रिश्तेदारी केजरीवाल जी की, जो तो पूछ रहा है कानून में, इनको चुप करिए, कैसे बनाई गई थी विदेशों के अंदर, पहले एक बार सुन लीजिए उसके बाद जवाब दीजिएगा, श्रीलंका से किसका पैसा था, बांग्लादेश से बजट दिलाया गया किसका पैसा था, सारे एयरपोर्ट दे दिए गए अडानी को, किसको दिए गए, देश जानना चाहता है, जेपीसी से क्यों भाग रहे हो, ज्वाइंट पायलट तुम तो बड़े जांच कराने वाले बनते हो, कराओ ना जांच, अगर प्रधानमंत्री जी 56 जी की छाती है तो जांच कराएं, क्यों डरते हैं जांच कराने से, जेपीसी बनाने से। रमेश जी, ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर लगातार बीजेपी पर आरोप लगते रहते, कोई भी दल हो बीजेपी पर इस मुद्दे को लेकर जरूर आरोप लगाता है, उसका जवाब भी दे ही दीजिए आज। सुनो, इनको ध्यान से सुनो, सुन ली अगर इनमें थोड़ा दिमाग रखते हैं तो, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी कमेटी पे सारा दिमाग तो आपकी बात है, मैं तो ठीक है, बोलिए भगवान कर इनसे बोलिए फिर, अगर मुझे सुना मैं चुप था ना, बोल रहे ठीक है कुलदीप जी, सुन लीजिए एक बार बात, या आमने सामने डिबेट पे बिठा लीजिए, नहीं सर बिठाइए फिर जी सर, आप बोलिए, मैं पूछना चाहता हूँ, जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी कमेटी बना दी, शरद पवार जिनका 50 साल का पॉलिटिकल एक्सपीरियंस है, शरद पवार जी ने कहा था कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में कभी भी कोई निर्णय नहीं आते हैं, वो केवल ब्लैकमेलिंग करने के लिए बनाई जाती है, उन कंपनियों से पैसा वो जो कमेटी के मेंबरों से ऐंठ थे, कांग्रेस भूखी मर रही है, कांग्रेस को राहुल गांधी को स्टेबल करने के लिए कोई मुद्दा नहीं है, तो जब सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बना दी, सुप्रीम कोर्ट की फाइंडिंग के आने के बाद दुनिया में कभी भी किसी भी मामले की 2 एजेंसी जांच करती है क्या, कभी करती है क्या दुनिया में,
ठीक है सर, बलराम हमारे संवाददाता बने हुए हमारे साथ, बलराम कुछ सवाल लेना चाह रहे हैं। बलराम आप सवाल कर सकते हैं। ठीक है, मेरा सवाल तो यही है कि अगर एक एक करके अपनी बात को रखें तो शायद जनता को भी समझ में आएगा और जो उनके बयानों का तथ्य है वो भी जनता समझ सकेगी, क्योंकि अगर ऐसे ही लड़ेंगे तो फिर तो जनता को समझ में नहीं आएगा कि कौन सही है कौन गलत है। मेरा दोनों से निवेदन यही है कि अपनी बात को शांतिपूर्ण ढंग से रखें ताकि जनता भी समझे कि हर सच्चा है, क्योंकि बलराम कहता है मैं तो ये कहना चाहता हूँ, अभी आपने हम लोगों को कॉल किया है शराब के लिकर पॉलिसी, लिकर पॉलिसी को लेकर, उसके भ्रष्टाचार को लेकर। मेरा सीधा सा सवाल है, ये उल्टे सवाल पूछते हैं, मेरा सीधा सा सवाल है कि ये बताएं कि आज तक इन्होंने जवाब नहीं दिया कि कमीशन को 6% 2.5% से 12% बढ़ाया, जो कमीशन जो पॉलिसी है लीगल पॉलिसी है, जो भारत की संविधान कानून में बनी हुई पॉलिसी है, जो पॉलिसी बनाई गई है विधानसभा, उस पॉलिसी में था कि कभी भी रिटेलर को सॉरी कभी भी मैन्युफैक्चरर को रिटेल का लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। यहाँ शराब पॉलिसी में जो मैन्युफैक्चर कंपनियां थी उनको रिटेल का किस प्रकार से क्यों इन लोगों ने लाइसेंस दे दिया, ये पूछना चाहते हैं इन लोगों से, बताएं। ये तो आज तक बताया नहीं। कुलदीप जी इसका जवाब दे दीजिए, इसी के साथ एक और बात बताइएगा कुलदीप जी, आम आदमी पार्टी का आगे क्या स्टैंड होगा। रमेश जी अब आप बात सुन लीजिए कुलदीप जी की। जी चलिए ठीक है, कुलदीप जी से संपर्क करने की कोशिश की जा रही है। जिस तरह से रमेश जी भाग जाएंगे, कहाँ संपर्क करोगे, भाग जाएंगे, मालूम है उनको, मालूम है कि केजरीवाल ने सबसे पैसा लिया घर में बुलाकर, महेंद्र ने बता दिया साफ केजरीवाल के घर में मीटिंग हुई है, उनके सेक्रेटरी ने बता दिया, सिसोदिया जी के सेक्रेटरी ने। नहीं तो कोई दिक्कत है क्या सर, अगर ईडीआई सीबीआई के खिलाफ आम आदमी पार्टी केस दर्ज कराने जा रही है, कोई समस्या आएगी क्या बीजेपी को? कोई समस्या बीजेपी को क्यों समस्या होगी, बीजेपी को क्यों समस्या होगी? वही तो सवाल है मेरा कि सर ये केजरीवाल बोलते हैं केवल, ये ईडी सीबीआई के खिलाफ कोर्ट में जाए, किसने मना किया है? ये अगर हरिश्चंद्र ईमानदार है कोर्ट में जाते हैं, बेल क्यों नहीं हो रही कोर्ट में इनकी बार बार? क्या कोर्ट भी प्रेशर में है क्या, सरकार के में अदालत भी प्रेशर में है क्या, जाए, किसने मना किया है जाए? बीजेपी का कोई स्टैंड होगा क्या? बीजेपी ने भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। अरे उसका जवाब सीबीआई देगी, ईडी देगी। देखो देश के प्रधानमंत्री जी ने, देश ने प्रधानमंत्री जी को 2014 में जब प्रधानमंत्री बनाया था, मैंडेट दिया था, तो देश करप्शन से करा रहा था, प्रधानमंत्री जी ने खुली छूट सीबीआई ईडी को दी कि करप्ट लोगों को पकड़ा जाए। देश में 8 साल में 5,000 रेड हुई है, 5,000 इन 15 लोगों के नहीं हुई जो ये करा रहे हैं पॉलिटिकल लोग, 5,000 रेड के अंदर 1,10,000 करोड़ रुपए की रिकवरी हुई है। मनमोहन की सरकार में 8-10 साल के अंदर केवल 3,500 करोड़ की रिकवरी हुई थी, केवल 3,500। तब सीबीआई ईडी को फ्री हैंड नहीं मिलता था, आज जो करप्ट लोग हैं उनको पकड़ा जाए, भ्रष्ट को पकड़ा जाए और 1,10,000 करोड़ की रिकवरी। अब ये अपनी जान बचाने के लिए सीबीआई दबाव में है, मोदी जी करा रहे हैं, सीबीआई दबाव में है। अरविंद केजरीवाल जी ने विधानसभा के अंदर प्रधानमंत्री जी के बारे में अपशब्दों का उपयोग किया था, किस लिए? उनको मालूम है विधानसभा में कहीं बात को कहीं चैलेंज नहीं किया जा सकता, देश के संविधान का इस प्लेटफॉर्म का मिस यूज करते हैं लोग ये। अब आज अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री को कहा है पैर से लेकर सिर तक, इसके लिए हम भारतीय जनता पार्टी के लोग निश्चित रूप से सरकार के लोग, सर सवाल मेरा ये है सीबीआई ईडी का मुद्दा है, अरविंद केजरीवाल को समन भेजा है, बीजेपी को क्या जरूरत पड़ गई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की? किसको? बीजेपी को। बीजेपी को ये जरूरत पड़ गई कि बीजेपी एक मजबूत विपक्ष है और चोर अगर पकड़े जाएंगे तो बीजेपी देश की जनता को नहीं बताएगी क्या? केजरीवाल झूठे आंसू बहाएगा मगरमच्छी के और बीजेपी चुप रहेगी तो लोग तो जनता सोचेगी हाँ बीजेपी क्यों नहीं बोल रही, बीजेपी ईमानदार है तो बीजेपी, बीजेपी का आपने मुझे बुलाया तो मैंने बताया ना, भाग गया ना वो 12% कमीशन क्यों किया, क्यों नहीं टिका बता, मैन्युफैक्चर को क्यों उन्होंने वो दिया लाइसेंस रिटेलर की जगह कानून के धज्जे उड़ा करके केजरीवाल साहब ने, क्यों भाग गए, क्यों नहीं जवाब देते लोग? जो ब्लैकलिस्टेड कंपनी थी, ब्लैकलिस्टेड कंपनी को टेंडर दे दिया पैसे लेकर 20,000 करोड़ रुपए लेकर, क्यों दे दिया? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ठेका खोलने की एक ठेकेदार को परमिशन नहीं दी, उसकी सिक्योरिटी थी, उसकी सिक्योरिटी जब थोड़ी चाहिए थी, कानून में है प्रावधान है, उसको क्यों माफ कर दिया इन लोगों ने? तो ये जवाब, ये सवाल उठते हैं कि अपने चहेते लोगों को इन्होंने ठेके दिलवाए, करोड़ों रुपए खाए और वो करोड़ों रुपए खाए, और ये पॉलिसी इतनी बढ़िया थी, आज केजरीवाल साहब ने बोला था कि बहुत अच्छी पॉलिसी, पंजाब में बड़ा रिवेन्यू आया, तो दिल्ली में कितना रिवेन्यू आया ये भी नहीं बताया एक साल में,
कि नहीं, तो वही तो ये आरोप लगा रहे हैं कि पॉलिसी बढ़िया थी लेकिन इसको इसमें व्यवधान डाले गए। बहुत शुक्रिया रमेश जी, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो इस पूरे मामले को लेकर अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया है और कहा है कि इस पूरे मामले को लेकर सीबीआई और ईडी के खिलाफ आम आदमी पार्टी केस दर्ज कराएगी।